एक प्रत्याशी के रूप में जो है आप बिठुआ ग्राम सभा में खड़े हैं, आपको जो है किस तरह से देख रहे हैं अपने आप को इस दूसरे जो है कार्य में? ये सबसे पहले मैं सभी लोगों को पत्रकार साहब महोदय जी को नमस्ते करता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं अरशद हिंदुस्तानी शायर कवि हैं और शिक्षा समान आंदोलन टीम के एक हम साथी भी हैं और आम आदमी पार्टी से समर्थित वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य के कैंडिडेट हैं, जो चूंकि हमारा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज मिला है। आज हम अपने वार्ड 25 के ग्राम बिठुआ में हैं। हम साइकिल से ही अपना प्रचार करते हैं पूरे वार्ड, अपने वार्ड के गांवों में। तो आपका जो जिला पंचायत के चुनाव, किसी ग्राम सभा के तो प्रधानी का चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्षेत्रफल भी आपका ज्यादा होगा। किस तरह से जो है इस जो चिलचिलाती धूप में रमजान महीने का जो समय चल रहा है आप अपना प्रचार कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग आंदोलनकारी हैं और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमने शिक्षा समान को लेकर यहाँ से लेकर आजमगढ़ तक एक बार प्रधानमंत्री जी का घेराव करने में हम लोग गिरफ्तारी हुई है। साइकिल से जो है अमित शाह जी का गिरफ्तारी किया हुई, हम लोग उनका घेराव करने गए थे। तो साइकिल जो है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने भी चलाया था और 4400 किलोमीटर माननीय कांशी राम जी ने साइकिल चला के जनजागरण किया था। साइकिल चलाने का मकसद ये हमारा है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो मुझे बहुत मेहनत लगती है, तकलीफ होती है। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि एक रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है, एक वो कपड़ा बेचने वाला साइकिल पर कपड़ा बेचता है, बर्फ बेचता है, तो कितनी उसको मेहनत लगती है। तो मैं उनकी हिम्मत को देखता हूँ, उनकी मेहनत को देख के मुझे और ताकत मिलती है और इससे मैं जमीन से जुड़ता हूँ, इसलिए मैं साइकिल चला के प्रचार करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जी अरशद जी, आपसे आगे जो है कुछ सवाल करें, उससे पहले जो है शिक्षा पे जो आपसे एक कविता हम सुनना चाहते हैं। हमको पता है कि आप जो कविता के बहुत ही शौकीन हैं और अच्छा पढ़ भी लेते हैं, जरा एक कविता जो शिक्षा पे सुनाए। ये अंधेरा जहालत का यारो किस तरह से मिटाते चलेंगे, दीप शिक्षा का गांव शहर में मिलके हम सब जलाते चलेंगे। ये हमारी पढ़ाई लिखाई अपनी सबसे बड़ी है कमाई, चल के इस राह पर एक दिन हम बाट डालेंगे नफरत की खाई, हम सभी हैं महज भाई भाई, ये सबक भी पढ़ाते चलेंगे। हिंदुस्तानी जी, आपसे हम अगला सवाल करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में, खुद की सरकार है, दूसरी बार जो है उनको वहाँ पर जो उनकी सरकार बनी है, तो क्या उनको नजर नहीं आता है कि हमारा प्रत्याशी जो है साइकिल से प्रचार कर रहा है, उसके लिए जो है हम कोई व्यवस्था करें? हमारी पार्टी ने कहा, माननीय संजय सिंह आए थे प्रभारी उत्तर प्रदेश और राज्यसभा सांसद, कि हम अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी टीम लगा देंगे, जिसको आप चाहेंगे मंत्री जी को मंत्री जी आ जाएंगे, विधायक जी आ जाएंगे, लेकिन हम आर्थिक मदद नहीं कर सकते और हमारे नेता विधायक मंत्री जिसको चाहेंगे उसको लाके आप प्रचार अपना कर लीजिए। लेकिन हमने कहा यही कि माननीय सांसद जी, हमारे आम कार्यकर्ता पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के आ जाएंगे, वही मेरे लिए ताकत है। जब आप ही प्रचार करने आ जाएंगे, देश के बड़े नेता हैं, तो मैं तो फिर कमजोर हो जाऊंगा। और आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता ये न समझिए कि वो अकेले चल रहा है, उसकी टोपी को लोग देख के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री है और एक अच्छा मैसेज चल रहा है। जी, अगर आप जो है इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सर्वप्रथम सबसे पहले प्राथमिकता मैं सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के बारे में लड़ाई लड़ूंगा और मैं खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा और मैं प्रधान जी का भी घेराव करूंगा, मास्टर साहब का भी घेराव करूंगा कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। मास्टर साहब आपका बच्चा खिचड़ी क्यों नहीं खाता है, प्रधान जी खिचड़ी बांटते हैं उनका बच्चा खिचड़ी क्यों नहीं खाता, विधायक जी ड्रेस बांटते हैं लेकिन उनका लड़का ड्रेस क्यों नहीं लेता है। मैं शिक्षा समान की बात करूंगा, अपनी सरकार से भी इसकी मांग करूंगा कि लोग पढ़ लिख जाएंगे, अपने अधिकार को जान जाएंगे, शिक्षा रहेगी तो लोग अच्छे नेताओं का चयन करेंगे। बता रहे थे उसको आपने सुना है, उनके विचारों से आप कितने प्रभावित हैं? बहुत प्रभावित हैं। क्या योग्य उम्मीदवार आपको लगते हैं? हाँ, योग्य उम्मीदवार हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। समाज को लेकर के चलने वाले बात कर
अच्छी बातें लगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर हिंदुस्तानी के बारे में कुछ बताइए। मैं वैद्य बलियावी शायर भी हूँ। जी जी। और उनका समर्थक भी हूँ। अच्छा आप शायर हैं? जी जी जी। तब तो जो है आप दोनों की जो है कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि वो कवि हैं और आप शायर हैं। ठीक है, तो आप कहाँ शुरू करेंगे? थोड़ा एक जो है शायरी कर दीजिए, उसके बाद जो आप बताइए। क्योंकि अपने हौसलों की रफ्तार बचाना मुश्किल है। जी। नफरत में डूबे अखबार बचाना मुश्किल है। बेशक। और चला रहे हो खंजर तो काट दो गर्दन, सर झुका दिया तो दस्तार बचाना मुश्किल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप मैं अरशद भाई, इसी क्षेत्र अरशद भाई का समर्थन करता हूँ, ताकि वो नौजवानों के साथी हैं। जी। और हर उनकी सबसे जो मुद्दा है, सबसे बड़ा अहम, वो है शिक्षा का। जो आज जात पात से उभर कर उठकर शिक्षा के बारे में मांग कर रहे हैं, जो किसी राजनीतिक दल में अभी तक सक्रियता से नहीं देखा जा रहा है। जी, आप कहना चाहते हैं कि शिक्षा जो है हर समाज के लिए सबसे जरूरी चीज है। ठीक, धन्यवाद। जी, आम आदमी पार्टी के टोपी लगाए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के किस पद पे हैं, अपना परिचय देते हुए मतलब हिंदुस्तानी के लिए किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप? मैं आम आदमी पार्टी बेलतरा विधानसभा प्रभारी अरुण कुमार अरशद भाई के साथ, मैं पार्टियां मुझे लगाई हुई है कि अरशद भाई के साथ मैं लगकर के तन मन धन से भी, ताकि इनका पूरी तरह से मैं मदद कर सकूं, और लेकर जहां तक शिक्षा का जो इन्होंने अभी आप लोग के बीच में बताया, हम चाहते हैं कि शिक्षा जो समान हो, इस पे हम लोग जो है कि काम कर रहे हैं। बहुत से आप लोग के प्रत्याशियों को देखा जा रहा है कि अभी पिछले समय में 5 साल तक लोग धोखा देने का काम किए। हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को ऐसे ही लेकर चल रहे हैं कि जनता के बीच में वो काम करने के लिए आए हैं। हम लोग टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है, सेवादार हैं, सेवा बन करके काम करना चाहते हैं साहब। यही हम लोग आपसे अपील करते हैं।